कासगंज जिले में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता और भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसमें देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। उसके बाद थाने में बवाल होता देख पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। घटना की सूचना मिलते ही अलीगढ़ रेंज के DIG दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज जिले के कोतवाली सदर का है, जहां भूदेव सिंह नामक दरोगा एक रिश्वत लेने के आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता थाने में धरना दे रहे थे और धरना लगातार दोपहर से ही थाने में चल रहा था। अचानक बताया जाता है कि तभी करीब 10 बजे के आसपास भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता थाने में घुस आए और दोनों तरफ से जमकर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही गुट जमकर लाठी डंडे चलाते रहे। उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी, जिससे कई कार्यकर्ता किसान यूनियन के घायल भी बताए जा रहे हैं। कासगंज में आज रात्रि में 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा, जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहां पर एक धरना दिया था, जिसमें कि SP के द्वारा उस मामले में जाँच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व, जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था, इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में SP ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहां पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज FIR रजिस्टर्ड की जा रही है और जो जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है, और इस पूजा के मौसम में त्योहारों का मौसम प्रारंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग उस दिशा की ओर अग्रसर है। सर, कितने लोगों को राहत दी गई? अभी तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से किसी पुलिस वाले ने कुछ किसी से कुछ पैसा ले रखा है, जिस पर कि ऑलरेडी SP के द्वारा जाँच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद इस तरह से हंगामा करने का प्रयास करना यह एक कुत्सित प्रयास था और इसमें जो भी लोग हैं ऑलरेडी हमारी टीम निकली हुई है। SP साहब ने CO जितने थे, CO और SHO सबको भेज रखा है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हंगामा में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लोग दर्ज हैं, उन सब पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, थाना परिसर में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, तोड़फोड़ की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है थाना में। कोई हो सकता है चेयर हो, चूँकि हंगामा हुआ है तो कोई ऐसी बात हो सकती है छिटपुट, लेकिन कोई जाहिरा तौर पर, मैं थाना परिसर में ही हूँ और आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।